जिंदगी कहते हैं जिंदगी किसी के लिए आसान तो किसी के लिए मुश्किल। हर पल हर मोड़ पे करवट बदलना ही इसका नाम है। कभी हार तो कभी जीत, कभी खुशी तो कभी गम। बस हमें इन सब परिस्थितियों में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए भाई। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन परिस्थितियों से हार कर परेशान हो। तो आइए ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अली, ये है हमारे पहले किरदार, जो कि एक ग्रेजुएट इंसान है, मगर नौकरी करना इन्हें पसंद नहीं। टाइम पास के लिए ऑटो चलाते हैं, वो भी मूड किया तो चलाया, वरना तो अल्लाह ही माने। इनकी वाइफ टीचर है, जिससे कि ये अक्सर उधार मांगकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, मगर वो उधार कभी चुकाया नहीं जाता। कभी कभी इनका जमीर जाग जाता है तो ये इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। मास्टर जी, ये किसी स्कूल में मास्टर नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री है और इन्होंने बीएड भी किया है, लेकिन उम्र ढल जाने के कारण जॉब नहीं ले पाए। अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ होम ट्यूशंस दिया करते हैं, मगर इसके बावजूद अपनी बीवी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अमर, ये है मिस्टर अमर, जो कि मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट टैलेंटेड, मगर जॉब। इनकी जॉब ना लगने के पीछे इनके टैलेंटेड होने का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हें मौके तो बहुत मिले, मगर कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। और ये है सनी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। भाई इनके हिसाब से इनका प्यार सच्चा है। आज यहां ये चारों अनजान लोग अपनी अपनी जिंदगियों को एक नई शुरुआत देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनकी जिंदगी इन्हें कहां ले जाती है। कितने जा चुके हैं? गया भी कोई? फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ। तुम्हारा? फर्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे आपने किया क्या है? क्या नहीं किया है? एम कॉम किया है, एम टेक किया है, एमबीए किया है। फिर भी जॉब नहीं मिली, बड़ा जोक। आपने क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीकॉम में। गुड। और आपने? मैंने भी बस ये ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से किया ग्रेजुएशन? पंजाब यूनिवर्सिटी से। अरे मेरा भी। लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आए हो इंटरव्यू के लिए? सही कहा दोस्त, मैंने इंटरव्यू तो बहुत सारे दिए लेकिन जॉब खास तक नहीं मिला। क्यों? ये तो इंटरव्यू लेने वाले ही बता सकते हैं। और सर आप? लगता है सर नासा से आए हैं। अरे यार बस करो। लगता है जॉब इन्हें मिलेगी। लेकिन हमारे को तो किसको मिल सकती है? जॉब तो मुझे को मिलेगी। मेरा लग ही किसी को तो मिले। देखते हैं, डिपेंड ऑन लक। सही बात है। आज मेरा लक अच्छा है वैसे। मेरा भी लक अच्छा है शायद। हो सकता है जो मुझे। बट आपको तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। यस सर। सब लक की बात है। जी सर। ओके चलो देखते हैं। इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं। वैसे मेरा भी चांस हो सकता है। ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ, इंटरव्यू खत्म हो गए ना। ठीक है, ओके सर। सर वो क्या बोला? इंटरव्यू खत्म हो गए। इंटरव्यू खत्म क्या बोला? सपना टूट गया, ठिठोली छूट गई। सपना
टूट गया, ठिठोली छूट गई। आज हाथ से मेरे, आज हाथ से मेरे पतंग की डोरी छूट गई। क्या बात है, पहचाना? नहीं, कौन हो आप? पहचाना साले, तू क्या मुझसे हाइड एंड सीख खेल रहा है? पहचाना पहचाना, तू कोई शाहरुख खान है? अबे साले तू नहीं सुधरेगा, 10 साल पहले भी तू अमर ही था और आज भी अमर ही है। अरे भाई तू कौन है, तू मेरा नाम भी जानता है? मेरे दोस्त और रिश्तेदार में इतना बड़ा लैंडलॉर्ड तो कोई है नहीं। अबे शर्मा सर याद है, उन्हें भी भूल गया? अच्छा वो हिंदी वाले जिनके यहाँ लंच किया करते थे और जिनकी मैडम बैंगन का भरता बनाती थी, जो मेरा फेवरेट था, तेरा बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अबे तू कहीं बंटी जुनेजा तो नहीं? बहुत जल्दी पहचाना, तेरी याददाश्त तो आज भी चुस्त और दुरुस्त है। माफ कर दे साले, तुझे पहचाना नहीं। और बता कैसा है, अभी तक बैचलर पार्टी में बिजी है या शादी वादी भी की? मेरा छोड़ तू बता, तू तो अपनी आंटी के यहाँ यूएस गया था। यार वो तो पुरानी बातें हो गई, अब तो मैं दिल्ली सेटल हो गया हूँ, अब बातें ही करता रहेगा? चाय वाय भी पिलाएगा? चाय पिला देता हूँ, वाय तो खुद पी लेना। अंकल दो चाय। मीठा कम। तो बड़ा हाई फाई लग रहा है। हाँ यार, यहाँ दिल्ली मैंने एक अपना ऑफिस डाला है जिसके लिए मुझे एक अकाउंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा हुआ तू मिल गया, मैं तो यहाँ अपने ही शहर में अनजान हूँ। तू तो यहाँ बहुत लोगों को जानता होगा, कोई हो तो बताना प्लीज़। पक्का यार, ज़रूर बताऊँगा तेरे लिए दोस्त। वैसे जहाँ तक मुझे याद है एमकॉम तो तूने भी किया है, तू मेरे पास नौकरी क्यों नहीं कर लेता? तू मुझे नौकरी देगा? मुझसे किताब लेकर पढ़ा करता था, मुझसे पैसे उधार लेता, मेरी किताबें लेकर पढ़ता था, मुझसे उधार लेता था। आज साले तू मुझे अपना नौकर बनाएगा, मुझे नौकरी देगा? चल साले चल, चल निकल यहाँ से। अबे अमर तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जस्ट तुझे नौकरी ऑफर कर रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब करता, चल यहाँ से साले, मुझे किसी का ऐसा नहीं चाहिए, मैं अपनी नौकरी खुद लगवा सकता हूँ, मैं भी सेटल हो सकता हूँ। आया साला यहाँ मुझे बड़ा लैंडलॉर्ड बनने नौकरी देगा, नौकरी। आपको पता है कल मेरा बर्थडे है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे एक जरी की साड़ी चाहिए। हाँ हाँ ले लेना, कितने की है? बस 5,500 की। निशा 5,500? तुम इस बार सूट ले लो, साड़ी बाद में ले लेना। नहीं मुझे सूट नहीं, मुझे साड़ी ही चाहिए। निशा साड़ी का बजट नहीं है। अरे आप बच्चों से कुछ पैसे एडवांस? मैं पहले ही एडवांस ले चुका हूँ, और कितना एडवांस लूँ बच्चों से मैं? मैं कुछ नहीं जानती, आपको मुझे साड़ी दिलानी ही होगी। हाँ और साथ में आप मुझे घुमाने भी लेके जाएंगे। हाँ निशा मैं कब मना कर रहा हूँ, हम दोनों घूमने चलेंगे, लेकिन साड़ी अगली बार मैनेज कर लेना। मैंने कह दिया ना मुझे साड़ी ही चाहिए। और एक काम करना, आज शाम का खाना ना बाहर से मंगवा लेना, मेरे सर में बहुत दर्द है। निशा दिखाती है पतंगे, इंद्रधनुष सी है ये पतंगे, रंग बिरंगी है ये पतंगे। बोले
हमेशा सच बोलती है, पतंग हमेशा सच बोलती है। कदम कदम पर राज खोलती है पतंगे, कदम कदम पर राज खोलती है पतंगे। रंग बिरंगी है ये पतंगे, इंद्रधनुष सी है ये पतंगे, रंग बिरंगी है ये पतंगे, इंद्रधनुष सी है ये पतंगे। अरे सनी, सनी कौन? मैं। अरे कैसा है यार? बढ़िया यार, तू सुना? बस बढ़िया। और तू यहाँ कैसे? अबे जाना नहीं है। कहाँ भाई? अबे शादी में। किसकी शादी में? अबे सोनिया की, तेरी फ्रेंड। सोनिया की शादी? अबे उसका मुझे फोन आया था अभी, वो आगरा में परसों उसकी शादी है। लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया यार। अबे मैं जानता हूँ तू उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने बोला था वो लड़की बहुत चालू है, उससे दूर रहियो। तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा यार? अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी सच में शादी है। ये कैसे हो सकता मेरे भाई? अबे यही है। शर्म नहीं आती तुझे हैं? सुबह से शाम तक के तेरे पापा जाते हैं कमाने के लिए और हम सारा दिन मशीन चलाते हैं, आता है फ्री फंड में खाने के लिए। इंटरव्यू देता तो हूँ, जॉब नहीं लगती तो क्या करूँ? तो हम क्या करें, इंटरव्यू देता है, हैं? कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना। ये डिग्री डिप्लोमा छोटी जॉब के लिए नहीं लिया मैंने। अच्छा डिग्री डिप्लोमा। जब भी खाने बैठता हूँ तुम्हारा पापा का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, नहीं पीनी चाहिए मुझे। पापा का ड्रामा शुरू हो जाता। पढ़ाई करते रहते हो। अच्छा ये बताइए, आपने इंटरव्यू दिया था ना, उसका क्या हुआ? इंटरव्यू दे चुका हूँ, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। अच्छा क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ मैं आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। मुझे 1000 रुपये चाहिए थे। 1000 रुपये? निशा तुम मुझे पहले बताती तो मैं कहीं से अरेंज करता। अब आपको 1000 रुपये भी अरेंज करने पड़ेंगे। निशा मैं कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं चलाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? हे भगवान, घर वालों ने कैसे आदमी के साथ बांध दिया है? आपके पास 1000 रुपये नहीं है और जब भी कुछ मांगो आपके पास कभी नहीं होता, आप हमेशा मना कर देते हो। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। भाई। वालेकुम सलाम। हाँ ये बैठिए। और क्या हाल है? बस ठीक। अरे वाह, अरे मार्चक। शिट यार ये आउट हो जाता है एंड टाइम पे सच में। भाई तुमने पैसे उधार लिए थे मुझसे? हाँ मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। भाई कब दे दोगे? अरे मैं बहुत जल्द पैसे दे दूंगा तुम्हारे। भाई मुझे आज पैसे चाहिए और आज मैं लेके जाऊंगा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ।
हाँ मुझे 500 रुपये उधार चाहिए अभी। मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं और मेरे पैसे मेरे हैं। मैं कल ऑटो चलाऊँगा तो मैं लौटा दूँगा। नहीं नहीं मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर दूँगा, मुझे किसी का उधार रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा, तुम्हारे पैसे सिर्फ उधार है मुझ पर, समझी? किधर रखें? टीवी के कपड़े के नीचे। ठीक है मैं कल ही लौटा दूँगा, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन रखो। हाफिज अली भाई, खुदा हाफिज। अब बोलो भी सनी, यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मेरी पूरी फैमिली है, पूरे रिलेटिव्स है यहाँ पे, बात क्या है? यू नो परसों मेरी शादी है। आई ना सोनिया, तुम्हारी शादी है इसलिए मैं भागता भागता यहाँ पे आया हूँ सोनिया। ओके बट बात क्या है? आई लव यू सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा सोनिया। सनी संभालो अपने आप को, तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड, परसों मेरी शादी है। आई नो सोनिया, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फैमिली ओके? और वैसे भी मेरा क्या, अब तो मेरी शादी हो ही रही है परसों, तो प्लीज मुझे भूलने की एटलीस्ट कोशिश करो, या भूल जाओ तो ही ज्यादा बेहतर है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। प्लीज सनी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ और समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वैसे भी रोने से कुछ नहीं हो सकता, शादी हो रही है मेरी। सोनिया संभालो तुम। सनी प्लीज अपने आप को ठीक करो, मेरा फोन से वो आ रहा है, प्लीज नॉर्मल हो जाओ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आ रहा है। सो प्लीज प्लीज थोड़ी नॉर्मल हो जाओ। सोनिया कैसे हो? ठीक हो? और क्या कर रहे थे? शॉपिंग पे नहीं चलना तुमको? ऑलरेडी इतनी देर हो गई है। हाँ जाना है। ये कौन है? बताया तो था तुम्हें, मेरा फ्रेंड सनी। ये वो सनी है? हाँ। कैसे हो सनी? हाय सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कमरे में चश्मा सब ठीक तो है? वो सर एक्चुअली क्या है कि आंखों में आइस फ्लो हो गया। कब से? बस अभी थोड़ी देर पहले ऐसे आया हूँ। दवाई वाई लिए कि नहीं लिए? सर अभी आया तो अभी देखता हूँ। चलो तुम्हें पता था ना मैरिज के बारे में? हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली। तो आना है तुम्हें मैरिज पे? पक्का सर। सोनिया शॉपिंग पे चलना है कि नहीं चलना? ओके लेट्स गो। चलो लेट्स गो। ओके सनी सी यू डे आफ्टर टुमारो। या सर बाय। बाय, नाइस मीटिंग यू। मी टू सर। सभी अपने हैं, सभी बेगाने हैं, दीवानों से आगे कुछ और।